अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। इनग्रेशिएट, इनग्रेशिएट का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, किसी की चमचागिरी करना, किसी के लिए अनुग्रह प्राप्त करना। आपने उनको दिखाते हो कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं ताकि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, है ना। ऐसे चमचागिरी करना, काम को दिखाना कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं। तो इन्फ्यूरिएट, किसी को गुस्सा करना, नहीं। गेन फेवर, किसी का फेवर लेना, किसी का जो ऊंचे पद पर है उसकी चमचागिरी करके उसका फेवर प्राप्त करना, बॉस की चमचागिरी करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनका साथ प्राप्त करना, दैट इज नोन एज इनग्रेशिएट। इनग्रेशिएट, गेन फेवर, रिश्वत लेना, इन्फ्यूज करना, किसी पार्ट को मिलाना आपस में, नहीं, गेन फेवर होता है। चमचागिरी करना, इनग्रेशिएट, चमचागिरी। चमचागिरी करना, गेन फेवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं हम लोग अब। क्लीमेंट, क्लीमेंट का मतलब होता है मर्सीफुल, दया से जुड़ा हुआ वर्ड है। मर्सीफुल मतलब किसी भी मैटर को वो दया भावना से देखते हैं, बहुत सख्त नहीं होते। क्लीमेंट, दया भाव से देखना चीजों को। तो क्या इसका लीनियंट होगा? हाँ, उदारवादी होता है। डेरिंग, हिम्मत वाला। रूदलेस, रूदलेस होता है निर्दयी। कंटेंटेड, तो रूदलेस तो इसका ऑपोजिट हो गया। डेरिंग, हिम्मत वाला मतलब नहीं है। कंटेंटेड, संतुष्ट का मतलब होता है। तो लीनियंट हो जाएगा, लीनियंट। 151 का लीनियंट, उदारवादी, ठीक है ना। ओके, फिर देखिए आप, एक्सप्लीकेट। एक्सप्लीकेट यानी टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना। इलिसिडिएट, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, इलिसिडिएट, इलिसिएट, व्याख्या करना, है ना। इलिसिडिएट, एक्सप्लीकेट टू एक्सप्लेन, और इल्यूसिडेट व्याख्या करना। ये स्पेलिंग ये करना इसकी, एक्सप्लीकेट एक्सप्लेन करना, इल्यूसिडेट करना, एक्सप्लीकेट करना, तो इसका मतलब व्याख्या करना होता है। देखो, व्याख्या करना ही है, टू एक्सप्लेन। बाकी माफी मांगना और कुछ इस तरह के वो दे रखे, वो नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 153 देखो। फॉरगेटिंग देयर ओल्ड एनिमिटी, अपनी पुरानी एनमिटी, एनमिटी होता है दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी को भूल करके, दे जॉइंड हैंड्स, उन्होंने हाथ ज्वाइन किए, विद द स्पिरिट ऑफ कैमरेडरी, कैमरेडरी, कैमरेडरी यानी, कैमरेडरी यानी मित्रतापूर्वक तरीके से, अपनी पुरानी दुश्मन को फगेट, भूल करके उन्होंने हाथ मिलाए, स्पिरिट ऑफ कैमरेडरी, कॉमरेडॉर होता है ना, जैसे मित्रता पर साथ काम करने वाले, तो मित्रता की भावना से, दोस्ती की भावना से उन्होंने हाथ ज्वाइन कर लिए, हाथ मिला लिए। तो कैमरेडरी यानी होता है मित्रता, मित्रता, दोस्ती। तो एनमिसिटी, एनमिसिटी यानी दुश्मनी होता है, एनमिटी होता है, ये तो इसका सिनोनिम होता है। लव यानी प्रेम, फ्रेंडलीनेस, दोस्ती, मित्रता, सी आंसर हो जाए। उन्होंने मित्रता से हाथ मिला लिए, पुरानी दुश्मनी को भूल करके, ये इसका आंसर हो जाएगा। 154 देखिए। राजन एम्प्लॉयड माय फ्रेंड ओनली व्हेन आई एग्रीड टू, राजन ने मेरे दोस्त को एम्प्लॉय, नौकरी दी, काम धंधे पे रख लिया था राजन ने मेरे दोस्त राजन को, ओनली व्हेन, केवल तभी काम पे रखा, व्हेन आई एग्रीड टू अवाउच, इसको बोलते हैं अवाउच, उच्चारण इसका होता है अवाउच, अवाउच, अवाउच मीन्स होता है श्योर करना, टू मेक श्योर, कंफर्म करना, अफर्म करना,
टू मेक श्योर, कंफर्म करना, अवाउच, जब मैंने उसे अवाउच किया, कंफर्म किया फॉर हिज ऑनेस्टी कि भाई मेरा दोस्त जो है वो ईमानदार है, और जब मैंने अपने दोस्त की ईमानदारी के लिए उसको अश्योर किया तभी उसने, राजन ने मेरे दोस्त को नौकरी पे रखा, उसको एम्प्लॉयड किया। तो अवाउच यानी कंफर्म करना, वाउ शपथ लेना, अफर्म श्योर करना, यस पे चुकाना, गारंटी देना, नहीं अफर्म आंसर हो जाएगा, मतलब कोई चीज को आप दृढ़ता पूर्वक कहें, मजबूती से कहें, पक्के इरादे से कहें, उसको कहते हैं अवाउच, दृढ़ता पूर्वक कहना। जब मैंने उसको पक्का विश्वास दिलाया कि भाई मेरा दोस्त ईमानदार है तभी राजन ने उसको नौकरी पे रखा। तो अफर्म करना, विश्वास दिलवाना, दृढ़ता पूर्वक कहना। फिर देखो एक और अंडरलाइन वर्ड है, इसका मीनिंग बताना है कौन सा सही होगा इसमें से। दे न्यू बाय हिज सोफोमोरिक रिमार्क, सोफोमोरिक होता है इमैच्योर, बचकाना, रिमार्क दैट ही वॉज स्टिल नेव इन द नेव, यहां था नो सीखिया इन द फील्ड। दे न्यू बाय हिज सोफोमोरिक रिमार्क, वो जान गए उसके सोफोमोरिक रिमार्क की वजह से दैट ही वॉज स्टिल नेव, कि वो अभी भी नो सीखिया है इन द फील्ड। जिस तरह से वो बोला ना सोफोमोरिक, मतलब इमैच्योर बचकानी वाली चीजें, नो सीखिए की तरह, तब पता लगा कि ये नो सीखिया है उसके सोफोमोरिक रिमार्क की वजह से, उसके इमैच्योर रिमार्क की वजह से। कैजुअल, अनपैलेटेबल, स्वादहीन, पैलेटेबल होता है स्वाद और अनपैलेटेबल यानी स्वादहीन, इग्नोरेंट अज्ञान, इमैच्योर आएगा आंसर, सोफोमोरिक यानी इमैच्योर होता है। जब मैच्योरिटी शो नहीं करते उसको आप सोफोमोरिक कहते हैं, तो उसके सोफोमोरिक हमें रिमार्क से पता चला कि वो अभी भी नेव है। 156, दे शंड हिम, वे उससे दूर भाग गए बिकॉज ही वॉज अ लेचरस मैन, लेचरस होता है भ्रष्ट, नेचरस होता है नीच, सेक्सुअली इमोरल, जो एक पार्टनर से सेक्स नहीं करके बहुत सारे पार्टनर से सेक्स करना चाहता है, और उनको धोखा देता है प्यार में, वो ऐसे लोग बोलते हैं लेचरस, नीच होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, ये आशिक मिजाज लोग होते हैं लेचरस। तो उसके लेचरस वो लोग उससे दूर भाग गए क्योंकि वो लेचरस मैन था, हु ऑलवेज लुक्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू चीट अदर्स, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता था कि कैसे लोगों को धोखा देना है। तो ऐसे लोगों को जो भ्रष्ट है, नीच है, सेक्सुअली वासना में जो डूबे रहते हैं उनको लस्टफुल भी कहते हैं, वासनापूर्ण, सेक्सुअली इमोरल होते हैं, सेक्सुअली इमोरल, अनैतिक होते हैं, लेचरस, लाइसेंसस, लस्टफुल, ये सारे वर्ड वही है। तो डिसेप्टिव, धोखेबाज, कनिंग, चालाक, डिसऑनेस्ट, बेईमान, ये कुछ नहीं होगा, इसमें आप लस्टफुल आंसर करें। लेचरस का सिनोनिम होगा लस्टफुल, ठीक है ना, लस्टफुल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ए नंबर ऑफ टीनेंट्स हैव बीन इवेक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट, बहुत सारे टीनेंट्स को, किरायेदारों को इवेक्ट कर दिया गया, इवेक्ट यानी घर से बाहर निकाल के फेंक देना, मतलब जैसे था ना जायदाद से, प्रॉपर्टी से किसी को दखलअंदाज कर देना, अलग कर देना। तो फॉर नॉट पेइंग द रेंट, जो टीनेंट्स थे वो रेंट नहीं दे रहे थे, तो रेंट ना देने की वजह से उनका मकान खाली करवा दिया, इवेक्ट खाली करवा देना, भगा देना, दूर कर देना, वो कर दिया गया। तो उनको पार्डन कर दिया गया, माफ कर दिया गया, किराया ना देने की वजह से सेंट आउट, उनको भेज दिया गया, एक्सक्यूज्ड, माफ कर दिया गया, थ्रोन आउट, उनको बाहर फेंक दिया गया, उनको उनका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया, जाओ तुम, हम तुम्हें नहीं रख सकते, थ्रोन आउट, उनको बाहर निकाल दिया। तो इवेक्ट करना यानी खाली करवा देना, थ्रोन आउट कर देना, डी हो जाएगा, इवेक्शन, इवेक्ट खाली करवा देना, क्योंकि किराया दिया नहीं तो मकान खाली करवा दिया उनके, रेंट ना देने की वजह से थ्रोन आउट कर दिया, तो यह आ जाएगा आंसर।
158 देखिए, हुडलम, हुडलम होता है गुंडा, बदमाश, दुष्ट लोग को कहते हैं। ए नेबर हु इज रादर नोजी, एक ऐसा पड़ोसी जो अपेक्षाकृत नोजी है, हर मामले में अपनी नाक घुसेड़ता है, हर मामले में टांग अड़ाता है अपनी, दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करता है। हुडलम का मतलब ये होता है कि नहीं, हुडलम तो गुंडा बदमाश होता है। ए वे साइड हॉकर, जो रोड के साइड में जो सामान बेचते हैं उनको हुडलम कहते हैं क्या? नहीं। ए वायलेंट क्रिमिनल, बहुत ही हिंसक क्रिमिनल, अपराधी, बिल्कुल गुंडा, बदमाश, अपराधी, हिंसक अपराधी, हुडलम कहते हैं। ए स्टूडेंट हु हूट्स एंड शाउट्स, एक ऐसा स्टूडेंट जो हुटिंग करता है, चिल्लाता है, चीखता है, नहीं। हुडलम, वो हुडदंग होता है अपने हिंदी में, हुडदंग नहीं, हुडलम मीन्स होता है वायलेंट हिंसक क्रिमिनल, गुंडा, बहुत भयानक बदमाश, उसको कहते हैं आप हुडलम। फॉलिबल, फॉलिबल, इनफॉलिबल, फॉलिबल जिसे चूक होती है, जिसे गलती होती है उसको फॉलिबल कहते हैं, जो गलतियां करता है, जिसे गलती करने की उम्मीद होती है उसको फॉलिबल कहते हैं, और जिससे गलती नहीं होती है उसको इनफॉलिबल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए अपना फॉलिबल का? एबल टू कनकॉक्ट स्टोरीज, जो कहानियां बनाता है। दैट विच कैन बी फेल्ड इजीली, जो इजीली गिर जाता है, गिरा दिया जाता है इसको, फेल्ड यानी गिराना किसी को, टक्कर मार गिराना। एबल टू स्टिक पीसेस टुगेदर, जो टुकड़ों को आपस में चिपका देता है, स्टिक कर देता है, नहीं। एप्ट टू मेक मिस्टेक्स और गो रॉन्ग, ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक्स कर सकता है, जो गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, गलतियां कर सकता है, उसे कहते हैं फॉलिबल, जिससे गलती हो सके उसे कहते हैं फॉलिबल, है ना, जो मिस्टेक कर सकता हो, जो गो रॉन्ग, जो कभी गलत हो सकता हो, उसे आप कहते हैं फॉलिबल, और इसे गलतियां नहीं होती हैं उसको कहते हैं इनफॉलिबल। ये वन वर्ड में हमने पढ़ा रखा है, इनफॉलिबल, अचूक, जिससे कभी गलती नहीं होती हो, चूक नहीं होती हो। फिर देखिए इल्यूडिंग, इल्यूड यानी बचना होता है, इल्यूड, इल्यूड यानी बचना, एस्केप, बच के निकल जाना, इल्यूड, तो रनिंग, भागना, एस्केपिंग, इग्नोर करना, कॉन्टैक्ट करना, नहीं, एस्केपिंग हो जाएगा, बच के निकल जाना, इल्यूडिंग यानी एस्केपिंग, बच के निकल जाना। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस ये होते हैं प्रशिक्षु, जो ट्रेनिंग करते हैं ना, ट्रेनर के द्वारा जो ट्रेनिंग कराई जाती है, तो जो नए लड़के जो आते हैं, जो नए भर्ती होते हैं जॉब में, और शुरू में उनकी ट्रेनिंग चलती है, इनिशियल ट्रेनिंग उनको पोस्ट देने से पहले, तो ऐसे ट्रेनीज को अप्रेंटिस कहा जाता है, जो नए नए ट्रेनिंग करते हैं, अप्रेंटिस, प्रशिक्षु। तो लर्नेड होते हैं, इनोसेंट होते हैं, न्यू लर्नर होते हैं, स्किल्ड होते हैं, नहीं, न्यू लर्नर होते हैं, नए सीखने वाले, प्रशिक्षु, नई ट्रेनिंग लेने वाले, न्यू लर्नर, तो अप्रेंटिस का सी कर देंगे आंसर। एंथुसिज्म, जोश होता है, एंथुसिज्म, जोश, उत्साह, तो डिसअपॉइंटमेंट, सोरो, निराशा होता है, ग्लोरी, गरिमा, चमक होती है, जील, जोश होता है, जेल, जीस्ट, वीगर, एंथुसिज्म, ये सारे सिनोनिम्स हैं, जील, जेस्ट, वीगर, एंथुसिज्म, ईगर, ईगर, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट, ईगर, ये सारे सिनोनिम्स हैं, कई बार ये वर्ड आ चुके हैं, याद करना आप, एंथुसिज्म का जील होता है, जेस्ट होता है, वीगर होता है, ठीक है ना। फिर देखिए आप अगला 163, मैनिस, इसको बोलते हैं मैनिस, मैनिस होता है डरावना, भयपूर्ण, डरावना, थ्रेटनिंग, फियर, थ्रेटनिंग, फियर, डर, हॉरर, है ना, उसको बोलते हैं मैनिस। लिटरेचर में आता है कॉमेडी ऑफ मैनिस, थिएटर ऑफ मैनिस, डरावना, भयपूर्ण, तो मैनर, तरीका होता है मैनिस, नहीं, थ्रेट, धमकी होती है, बिल्कुल होती है, डर होता है, हेट, नफरत होती है, बिगट्री,
बिगट्री मीन्स कट्टरता होती है इसमें, कट्टरता होती है नहीं, इसमें होती है डर, धमकी, भय, तो ये होगा थ्रेट, थ्रेट करेंगे आंसर। 163 का आंसर होगा आपका थ्रेट, बिगट्री कट्टरता होती है। 164 हिच, हिच होती है बाधा, अड़चन, बाधा अड़चन जो पहले आया था, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, हिच, ऑब्स्टेकल, ठीक है ना, ये सब बाधा के लिए, हर्डल, हर्डल, ऑब्स्टेकल, हर्डल, हिच, हिंड्रेंस, ये सब बाधा के लिए होते हैं। कंप्लीट, मेन, इजी नहीं, ऑब्स्टेकल हो जाएगा, हिच का आंसर हो जाएगा ऑब्स्टेकल, अड़चन। फिर देखिए आप, अजाइल, अजाइल होता है बिल्कुल चुस्त, दुरुस्त, फुर्तीला, फुर्तीला, चुस्त, दुरुस्त, फुर्तीला, अजाइल, लेजी, आलसी, तो ऑपोजिट हो गया। निम्बल भी होता है चुस्त, फुर्तीला, निम्बल, चुस्त, फुर्तीला, तो आंसर बी हो जाएगा। विजनरी होता है स्वप्न दृष्टा, जो आगे का भविष्य देख लेता है, विजनरी। डल, कमजोर, ये तो ऑपोजिट हो गया, चुस्त, दुरुस्त, निम्बल होगा इसका आंसर। 165 का आंसर हम लोग कर देंगे निम्बल, फुर्तीला। इरेटिक, इरेटिक होता है अनियमित, अनियमित, कब क्या करेगा कुछ पता नहीं है, इरेटिक, रेगुलर नहीं होता कामों में, कभी कुछ कभी कुछ, कोई प्लान नहीं, नो प्लान, इरेटिक होता है नो प्लान, कोई प्लान नहीं, कोई एम नहीं, एमलेस, नो प्लान, एमलेस, लॉजिकल, एमलेस, एमलेस हो जाए, जिसका कोई एम ना हो, कोई प्लान ना हो, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कुछ भी, कभी भी कुछ भी कर लेता है, अनियमित होते हैं, एमलेस। फिर देखिए आप, डॉगमेटिक, डॉगमेटिक होते हैं कट्टर, अपने विचारों में कट्टर, डॉगमेटिक, बिल्कुल कट्टर होते हैं, जो ठान लिया वही करेंगे, धर्म के प्रति कट्टर, कट्टरपंथी लोग होते हैं, उग्र विचारधारा के लोग होते हैं, अपने धर्म, अपनी जाति के प्रति सिद्धांतवादी होते हैं, कट्टर होते हैं, सिद्धांतवादी, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों से कभी ये कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, उस पर अडिग रहते हैं, जो विचार बना लिया, जो राय बना ली, उसी पर अडिग रहेंगे, तो लिबरल होते हैं, उदार होते हैं नहीं, नॉलेजेबल, ज्ञानी होते हैं, डॉगमेटिक ज्ञानी हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता। ओपिनियंटेड, ओपिनियन वर्ड देखो आप, ओपिनियन ही राय, एक बार राय बना ली उसी पे टिके रहते हैं, हाँ हो सकता है। रूड, ये रूड होते हैं, ये रूखे, कर्कश, ये अच्छे व्यवहार के लोग नहीं होते, तो ठीक है, बट सिद्धांतवादी होते हैं, राय को, अपनी राय पर अडिग रहने वाले लोग होते हैं, ओपिनियनेटेड होते हैं, ओपिनियन, अपनियन, अपनेटेड होते हैं, राय पर दृढ़ रहने वाले लोग होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, कट्टर होते हैं, तो इसका आंसर सी करेंगे आप। कर्टेल, कर्टेल यानी कमी करना होता है, किसी चीज में कमी करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, इंप्रूव करना, लेंथन, लंबाई बढ़ाना, डिलिनिएट, किसी की व्याख्या करना, डिलिनिएट, व्याख्या करना, अब्रिज, शॉर्ट करना, कम करना, कमी करना, तो आंसर हो जाएगा कर्टेल का अब्रिज, कर्टेल यानी कमी करना, और अब्रिज, किसी दो नदियों के बीच ब्रिज बना दिया तो घूम कर आना पड़ता, लंबा ज्यादा होती, दूरी कम हो गई, अब्रिज, ऐसा थोड़ा याद कर सकते हो, अब्रिज, कमी, कर्टेल यानी कमी करना, अब्रिज यानी भी कमी करना होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। 169 मोलीफाई, मोलीफाई यानी शांत करना, पैसिफाई करना, शांत करना, पैसिफाई, गुस्से को मॉलिफाई करना, पैसिफाई करना, एग्रीवेट, करेक्ट, रिजेक्ट नहीं, पैसिफाई, शांत करना, गुस्से को कम करना, मॉलिफाई या पैसिफाई एक ही बात है। इनफ यानी पर्याप्त, एडिकेट, एडिकेट भी पर्याप्त होता है, इनएडिकेट, अपर्याप्त, कंप्लीट, पूर्ण, बैलेंस, संतुलन, तो इनफ यानी पर्याप्त है, जितनी जरूरत है उतना काम चल जाएगा, एडिकेट है, एडिकेट यानी पर्याप्त होता है, इनफ यानी भी पर्याप्त होता है, जितनी जरूरत है उतना है, एडिकेट है उतना इनफ है, तो इनफ का एडिकेट हो जाएगा।
ये BRHS वाले एग्जाम में था, डेडिकेटेड डिवोटेड, ठीक है, डेडिकेटेड यानी समर्पित, और डिवोटेड यानी भी क्या होता है, समर्पित, तो डेडिकेटेड का डिवोटेड हो जाएगा, लॉयल, वफादार, सिंसियर, गंभीर, सबमिसिव, सबमिसिव मतलब दब्बू, दब्बूपन, किसी के अधीन काम करना, तो डेडिकेट मतलब डिवोटेड, ये तो सिंपल है, याद होगा आपको, डेडिकेटेड डिवोटेड एक ही बात है। रिपर्कशन, रिपर्कशन होता है कोई काम किया आपने, उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या रिएक्शन आता है, उसके क्या परिणाम निकलेंगे, खासकर नेगेटिव परिणाम की बात करता है रिपर्कशन, यानी दुष्परिणाम, प्रतिक्रिया। दुष्परिणाम, बुरे परिणाम या प्रतिक्रिया देना, रिपर्कशन, किसी चीज की प्रतिक्रिया। तो रेजिस्टेंस, विरोध करना, रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, परिणाम का दुष्ट, कोई काम करोगे तो उसका परिणाम तो मिलेगा, रिएक्शन तो होगा, तो रिपर्कशन यानी रिएक्शन। ऑपोजिट, शॉक, झटका लगना, ये ठीक है, मिलते जुलते हैं, शॉक, झटका लगता है क्योंकि बुरा परिणाम आ रहा है, ये ऑपोजिट होता है, जो आपने काम किया उसका परिणाम उल्टा होता है, दुष्परिणाम, बट एक एक्शन का रिएक्शन होता है, उसे कहते हैं आप लोग रिपर्कशन। रिपर्कशन क्या कहते हैं इसको लोग, रिपर्कशन, इसका उच्चारण धारण, रिपर्कशन यानी दुष्परिणाम, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, तो आंसर बी हो जाएगा इसका, 172 का। डिप्लोर, डिप्लोर यानी होता है निंदा करना, किसी की निंदा करना, डिप्लोर करना है ना, सेंसर करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, तो लूज हार्ट, हिम्मत हारना, इंट्रीट, प्रार्थना करना, रिग्रेट, दुख मनाना, और मलिन, मलिन यानी भी निंदा करना होता है, तो आंसर इसका आपका हो जाएगा डी, ठीक है, मलिन, डी आंसर कर देंगे इसका हम लोग। एक्चुअली ये उच्चारण अगर सही देखें हम लोग तो मलिन नहीं कहते इसको, मलाइन कहते हैं, मलाइन, मलाइन यानी निंदा करना, ठीक है ना, तो आंसर का डी हो जाएगा, ठीक है, 173 का आंसर डी, मलाइन, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, है ना, निंदा करना। मोटिवेशन, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, किसी को प्रेरणा देना, किसी काम करने के लिए उसको उत्साहित करना, मोटिवेट करना, समझता है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, प्रेरणा। तो इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट भी मोटिवेशन जैसा वर्ड ही होता है, इंड्यूसमेंट लेकिन थोड़ा नेगेटिव वर्ड देता है ये किसी को काम करने के लिए कहते हैं लेकिन उसको लोभ देते हैं, प्रलोभन, रिश्वत देना किसी को काम करने के लिए, किसी को इंसेंटिव देना, प्रलोभन देना। इमोशन तो मतलब नहीं होगा, इमोशन मोटिवेशन अलग अलग चीज होती है, एम्बिशन भी अलग है, महत्वाकांक्षा, इमोशन भावना। इंसाइटमेंट यानी किसी को उत्तेजित करना, काम करने के लिए उत्तेजित करना, उकसाना, तो वैसे प्रॉपर वर्ड तो नहीं है इंसाइटमेंट भी, लेकिन इंसाइट मतलब किसी को उत्तेजित करना होता है, मोटिवेट करना होता है, तो कर सकते हैं। इंड्यूसमेंट ज्यादा ठीक है, इंड्यूसमेंट तो बिल्कुल नेगेटिव सेंस में होता है, हालांकि इंसाइटमेंट भी वही होता है, गलत काम करने के लिए, अपराध के लिए, किसी गलत चीज के लिए आप किसी को उकसाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट सब जगह यूज हो सकता है, बट जनरली मोटिवेट को हम जनरल पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और इनसाइटमेंट को नेगेटिव सेंस में, लेकिन अब इन चारों में से एक सही आंसर लगाना हो अपने को तो फिर ज्यादा अच्छा है कि आप इनसाइटमेंट करें, मतलब उत्तेजित करना, एनकरेज करना, उत्साहित करना, एनकरेज, एनकरेज करना, और मोटिवेशन भी एनकरेज करना ही होता है, हालांकि मोटिवेशन नाउन है तो आप इसका नाउन बनाए तो एनकरेजमेंट हो गया, तो इंसाइटमेंट ठीक है, एनकरेज करना, उत्साहित करना, उकसाना भी होता है इसका मतलब, इंड्यूसमेंट प्रलोभन होता है, तो आंसर विल बी डी, इंसाइटमेंट, डी आंसर करेंगे। 175 रेजिड्यू, रेजिड्यू यानी होता है अवशेष, परिशिष्ट, जो बचा हुआ होता है उसको आप कहते हैं रेजिड्यू, अवशेष,
जो बच जाता है उसको कहते हैं, और यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर, बचा हुआ अवशेष, बिल्कुल ये होता है नथिंग, कुछ भी नहीं, रिसीड और लिटिल। अब जो आपका रिसीड वर्ड है इसका मतलब होता है धीरे धीरे कमजोर होना, धीरे धीरे कमजोर होना, टू बिकम वीकर ग्रेजुअली, कमजोर होना। रेजिड्यू यानी रेजिड्यू यानी अवशेष, रिमाइंडर, आंसर हो जाएगा ए, रिमाइंडर करेंगे। रेजिड्यू यानी अवशेष, परिशिष्ट, और रिमाइंडर यानी बचा हुआ, तो आंसर अपना ए होगा। 176, परपेचुअल, ये तो पढ़ा होगा आपने, परपेचुअल मतलब तो लगातार चलेगा, अनंत, कभी खत्म नहीं होगा, एंडलेस होता है, सदाबहार होता है, एवरलास्टिंग होता है, एंडलेस होता है, ठीक है ना, परपेचुअल, कभी खत्म नहीं होता, तो परफेक्ट होगा, नहीं, कंफ्यूज होगा, नेवर एंडिंग, कभी ना समाप्त होने वाला, अनंत, परपेचुअल, बिल्कुल लगातार चलने वाला, नेवर एंडिंग, परमानेंट, नेवर एंडिंग, सीजनल नहीं, नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगा, परपेचुअल, जो हमें चलता है सदाबहारी। फिर देखिए आप, असेंट, असेंट यानी होता है स्वीकार करना, असेंट, स्वीकार करना, सहमति देना, असेंट, डिसेंट होता है इसका ऑपोजिट, जो पहले आया था डिसेंट, अपोजिट होता है इसका, असेंट यानी स्वीकार करना, एडमिट करना, एग्री करना, क्लाइम, कंफर्म, आंसर, एग्री, सहमत हो जाना, स्वीकार करना है, सहमत होना, सहमति देना, वो असेंट कहलाता है, असेंट का ऑपोजिट डिसएग्री या डिसेंट होता है। नेक्स्ट देखिए आप, डिफायंस, अवज्ञा, डिफायंस, अवज्ञा, आज्ञा का पालन न करना, डिफायंस, टू डिफाई, डिफाई से बना डिफायंस, आज्ञा का पालन न करना डिफायंस होता है। तो इंसल्ट, डिनायल, डिसग्रेडेशन या रेजिस्टेंस, विरोध करना, पालन न करना, विरोध करना, तो ये हो जाएगा अवज्ञा, रेजिस्टेंस किसका, विरोध करना, ठीक है ना। तो 178 का आंसर हो जाएगा रेजिडेंस, विरोध करना, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, ये है इमेनिसिपेट, इमेनिसिपेट, इमेनिसिपेट यानी किसी को आजाद करना, टू फ्री समबडी फ्रॉम वर्क, फ्रॉम बॉन्डेज, दास्ता से, वर्क से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किसी को मुक्त करना, इमेनिसिपेट, मुक्त करना, आजाद करना, लिबरेट, लिबरेशन, लिबर्टी, आजाद करना, रिलीज, रिलीज मतलब छोड़ना होता है, वैसे रिलीज करना होता है, एक्विट, बरी करना, बरी मतलब दोष से बरी करना, एक्विट करना, अनचेन, जो चेन बांध रखी है, किसी को बेड़ियों में जकड़ रखा है, उस चेन को खोल देना, तो मिलते जुलते हैं सारे, अनचेन बेड़िया खोलने के लिए आता है, एक्विट दोष से बरी करने के लिए आता है, रिलीज किसी को, इनको रिलीज भी करते हैं हम लोग, है ना, फंड रिलीज करते हैं, जेल से किसी कैदी को रिलीज कर देते हैं, वो भी होता है, बट ये है आजाद करना, टू फ्री समबडी, किसी को आजाद करना, और लिबरेट का मतलब भी क्या होता है, आजाद करना, ये आजाद करना होता है लीगल, पॉलिटिकल, सोशल रेस्ट्रिक्शन से, कोई कानूनी रेस्ट्रिक्शन से, पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन से, सोशल रेस्ट्रिक्शन, सामाजिक बंधनों से, प्रतिबंधों से, किसी को आजाद करना, मुक्त करना, लिबरेट करना, सोशल, पॉलिटिकल या फिर आप कहें तो सोशल, पॉलिटिकल, देश से, जेल से, बंधनों से, रेस्ट्रिक्शन से किसी को आजाद करना, पॉलिटिकल, सोशल, इन बंधनों से किसी को मुक्त करना, ठीक है ना, कोई कानूनी हो, लीगल हो, इनसे मुक्त करना क्या कहलाता है, एमेनिसिपेट कहलाता है, एमेनिसिपेट, फ्री समबडी, मुक्त करना रेस्ट्रिक्शन, बंधनों से, बंधनों से, कौन से, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इन रेस्ट्रिक्शन से किसी को फ्री कर देना,
आजाद कर देना, लिबरेट कर देना, और लिबरेट से बनता है लिबर्टी, आजादी, स्वतंत्रता। ये प्रॉपर वर्ड अपना आंसर हो जाएगा, ए आंसर करते हैं इसका। फिर देखिए आप 180, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी होता है दुश्मनी, दुश्मनी, एनमिटी, एनोमिसिटी, एनोमिसिटी दे नहीं रखा है इसमें। हॉस्पिटलिटी यानी कि मेजबानी करना, स्वागत करना, हॉस्पिटलिटी। जेलेसी नफरत, एनमिटी दुश्मनी, एनवी यानी ईर्ष्या। तो हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी होता है और एनमिटी यानी दुश्मनी होता है, तो आंसर अपना सी हो जाएगा इसका। फिर देखिए आप अबैट, अबैट क्या होता है, अबैट यानी जो क्वेश्चन नंबर अपना 81 है, अबैट यानी उकसाना, किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, मोटिवेट करना, अबैट करना। इनसाइट यानी भी उकसाना होता है, गलत कामों के लिए खासकर होता है, पॉजिटिव सेंस कम होता है इसका, नेगेटिव सेंस ज्यादा होता है, बट कर सकते हो। इनसाइट यानी किसी को है ना ऐसे एक्साइट करना, खासकर कोई क्राइम करने के लिए, कोई गलत काम करने के लिए। अबैट भी वही होता है, इनसाइट उकसाना। तो आंसर ए हो जाएगा। गैम्बल, जुआखोरी करना, डिफीट हराना, रिड्यूस कम करना, नहीं, इनसाइट। अबैट यानी इनसाइट होगा, उकसाना, अबैट। एडमेंट होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट, स्टबन, सारे वर्ड वही है। एडमेंट जिद्दी होता है, स्टबन जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट आया था पहले वर्ड, जिद्दी, स्टबन या ऑब्स्टिनेट, ये एक ही बात है। एडमेंट, स्टबन, ऑब्स्टिनेट, ये सब जिद्दी के लिए यूज होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, एडमेंट का स्टबन। फिर देखिए 183, सक्सेसिव, क्रमश है, जो आगे आएगा क्रमश है, सक्सेसिव, आगे आने वाला। क्रमश जब आगे आएगा सक्सेसिव, तो विक्टोरियस विजेता होता है, सक्सेस से मतलब नहीं है, सक्सेस से मतलब जब आगे आएगा, तो सक्सेस से कहीं सफलता और विक्ट्री सफलता से आप जोड़ ले इसको, नहीं, सक्सेस मतलब जब आगे आएगा, क्रमश है जब आगे आएगा, विक्टोरियस। कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव भी क्रमश ही होता है, कंजिक्यूटिव आगे आने वाला, टाइमली समय पे, न्यूमरस नहीं, कंजिक्यूटिव आंसर हो जाएगा। सक्सेसिव का जाएगा कंजिक्यूटिव, कंटिन्यूअस, ऐसे हो सकता है। 184 देखिए, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया, सुना होगा आपने, इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, और क्रेडिबल यानी विश्वसनीय, जिसको विश्वास कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, तो बिलीवेबल, विश्वसनीय, क्रेडिबल, विश्वसनीय, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अतुलनीय, भारत, सुना होगा आप लोगों ने। तो क्रेडिबल का हो जाएगा बिलीवेबल, फंटास्टिक, क्यूट, यूज नहीं, बिलीवेबल हो जाएगा। फिर देखिए आप 185, रिजॉइंडर, रिजॉइंडर का मतलब होता है जवाब, उत्तर, आपका जवाब क्या है, आपका उत्तर क्या है, आपका आंसर क्या है, आपका रिप्लाई क्या है। तो सेपरेटर अलग करने वाला, पेस्ट, पेस्ट, रिपोर्टर या रिप्लाई, जवाब, जवाब होगा, उत्तर, जवाब, रिजॉइंडर मतलब रिप्लाई, जवाब। सिविल यानी सभ्य होता है, सभ्य, सिविल, सभ्य, नागरिक, जो अच्छा आचरण करता है, कानून का पालन करता है, डिसिप्लिन में रहता है, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता, उसको सिविल कहते हैं, सिविलियन, सिविल। सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, सोफिस्टिकेटेड मतलब सोफिस्टिकेटेड, अच्छी बातें करने वाले, अच्छा आचरण करने वाले होता तो है। सोशल सामाजिक होता है, फॉर्मल औपचारिक, नहीं ये दोनों तो नहीं होंगे। पलाइट विनम्र होता है, सिविल यानी पलाइट, बिल्कुल ये इसका सिनोनिम देखेंगे तो मिलेगा आपको, तो ये भी अच्छा वर्ड है सोफिस्टिकेटेड, बट ज़्यादा अच्छा आएगा पलाइट। सिविल यानी सभ्य और पलाइट यानी भी सभ्य, विनम्र, सभ्य, तो पलाइट जो है अपना आंसर इसका होगा, ठीक है ना, सिविल का आप करें पलाइट। फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन
187. He fainted, वो बेहोश हो गया. He fainted in the assembly due to fatigue. Fatigue की वजह से वो बेहोश हो गया. तो fatigue यानी होता है थकावट. थकावट, थकावट की वजह से वो faint, बेहोश हो गया. तो fatigue यानी थकावट होता है. Illness बीमारी होता है. उत्तेजना होती है, नहीं. Tiredness थकावट होती है, बिल्कुल सही. Heat गर्मी की वजह से बेहोश हो गया, नहीं. Fatigue यानी होता है थकावट. तो tiredness आंसर. 188. His parents told him, उसके पेरेंट्स ने बताया उसको, उसको समझाया, not to depend on any stranger, कि आप किसी भी स्ट्रेंजर पर भरोसा मत करो, उन पर विश्वास मत करो, उन पर निर्भर मत करो. डिपेंडेंट निर्भर करना, डिटेस्ट नफरत करना, रिलाई निर्भर करना, ये एक ही बात. दोनों का मतलब होता है निर्भर करना. डिपेंड के बाद भी ऑन आता है, रिलाई के बाद भी ऑन आता है. रिलायबल, रिलायबल विश्वसनीय, विश्वास करना, निर्भर करना, डिपेंड करना, रिलायबल, रिलाई, ये वही वर्ड है. बिलीव यानी विश्वास करना, और निर्भर करना अच्छा वर्ड है. फ्रेंडली यानी दोस्ताना. तो रिलाई निर्भर करना, डिपेंड निर्भर करना, और रिलाई ऑन निर्भर करना. तो अपना आंसर डी बी होना चाहिए. बी 188 का बी, निर्भर करना. अलर्ट चौकन्ना सचेत, वॉचफुल चौकन्ना सचेत. इंटेलिजेंट होशियार, स्मार्ट होशियार, एनर्जेटिक ऊर्जावान, नहीं. अलर्ट यानी चौकन्ना सतर्क, और वॉचफुल यानी भी चौकन्ना सतर्क. जो वॉचमैन बनता है, इस वजह से डॉग्स आर वॉचफुल, अलर्ट, वॉचफुल, वॉच होगा. पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन वाले. अलाउ करना, किसी को परमिट करना, एक्सेप्ट करना, सीक करना, परमिट करना, अलाउ करना, आज्ञा देना, परमिशन देना, तो परमिट हो जाएगा. मॉडेस्ट यानी होता है थोड़ा सा विनम्र. मॉडेस्ट, विनम्र, उदार, सभ्य, इनके लिए यूज करते हैं. बोस्ट यानी डींगे हाँकना, शो दिखावा करना. हम्बल विनम्र होता है, उदार होता है, सभ्य होता है. इम्पलाइट तो उसका ऑपोजिट हो गया. तो आंसर होना चाहिए हम्बल. क्या करेंगे आंसर? हम्बल. मॉडेस्ट का आंसर हो जाएगा हम्बल. र्यूनस, र्यूनस यानी होता है र्यून, बर्बादी. तो र्यूनस यानी बर्बादी, बर्बाद. र्यूनस बर्बाद, खंडर, बेकार. फ्रूटफुल लाभदायक, सक्सेसफुल फायदेमंद, लस्ट्रस चमकीला, डिजास्ट्रस विनाशकारी. बर्बाद विनाशकारी, डिजास्ट्रस और र्यूनस एक ही बात है. र्यूनस यानी बर्बाद करने वाला, खत्म करने वाला, बेकार करने वाला, और डिजास्ट्रस का मतलब भी यही होता है. तो इसका आंसर डी हो जाएगा 192 का. कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने. 200 के आसपास क्वेश्चन हैं जो मैंने अलग अलग पार्ट में बताए आपको. 50-50 क्वेश्चन के आसपास, तो 200 क्वेश्चन हो गए. 200 के 4-4 ऑप्शन हैं. तो अगर सारे पढ़ लोगे तो आपको 600-700 नए वर्ड्स मिल जाएंगे. तो प्लीज इनको ध्यान सुनना, पढ़ो जो मैंने दिए आपको, उसको भी याद करना. वर ई सिमिलिट्यूड, वर ई सिमिलिट्यूड, वर ई सिमिलिट्यूड, वर ई सिमिलिट्यूड यानी क्या होता है? ग्रोटेक्स विचित्र होता है, ऑथेंटिसिटी होता है, फेस्टिव होता है, फंटास्टिक. वर इसी मिलिट्री मतलब प्रामाणिक, जो संभव है, जो सही है, असली है, प्रामाणिक है. तो इसको बोलते हैं ऑथेंटिसिटी, जो ऑथेंटिसिटी है जिसमें, ठीक है ना, प्रामाणिक. वर इसी मिलिट्यूड, तो ऑथेंटिसिटी आंसर आ जाएगा. प्रामाणिक, ग्रोटेस्क यानी विचित्र होता है, फेस्टिव त्योहार संबंधित होता है, फैंटास्टिक बहुत अच्छा होता है. तो प्रामाणिक इसके प्रमाण है, ऑथेंटिसिटी है, तो उसके लिए आप वर इसी मिलिट्यूड, वर इसी मिलिट्यूड थोड़ा ऐसे याद करना टुकड़ों में अलग अलग, इस तरह से अलग अलग सिलेबल टुकड़ों में बांटना इसको, फिर आप याद करना वर्ड को. ऑथेंटिसिटी होगा. अनाइहिलेट यानी अनाइलेट भी कहते हैं, अनाइलेट भी कहते हैं. अनाइलेट सर्वनाश करना,
सब कुछ बर्बाद कर देना, नेस्ता नाबूद कर देना, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को, वर्ब है डिस्ट्रॉय कर देना। अनाई इलेट या अनाई अलेट, सर्वनाश कर देना, बर्बाद कर देना, जड़ से खत्म कर देना कोई चीज को। सॉल्व करना, डिड्यूस करना, निर्णय निकालना, इनिशिएट शुरू करना, डिस्ट्रॉय बर्बाद कर देना, बर्बाद कर देना। डी आंसर होगा 194। अनाइहिलेट का बर्बाद करना मतलब होता है सर्वनाश कर देना, नेस्ता नाबूद कर देना। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा पहुंचाना, फियरफुल डरावना, ऑनर सम्मान देना, डेफरेंस यानी भी रेस्पेक्ट देना, सम्मान देना। ये दोनों तो एक ही मतलब हो गए। इंटरफेरेंस बाधा पहुंचाना होता है, हस्तक्षेप करना, और ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा पहुंचाना होता है। तो इंटरफेरेंस का आंसर आपका ए हो जाएगा, बाधा पहुंचाना, दखल अंदाजी करना, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा पहुंचाना। फिर देखिए आप 1696, क्वोरी, ठीक है, क्वोरी, क्वोरी का एक मतलब होता है खदान होता है, खान, क्वोरी मीन्स जिसमें खान में से माइंस भी बोलते हैं, एक तो इसका मतलब होता है माइंस, खान। एक क्वोरी का मतलब होता है विक्टिम, पीड़ित, शिकार, प्रे, पी आर ई वाई, शिकार, विक्टिम। तो यहां ये आंसर आ जाएगा क्वोरी। ये क्वैक क्वैक से लेना देना नहीं है इसका, क्वेस्ट से लेना देना नहीं है, डिनाउंस त्याग करने से मतलब नहीं है, डिनाउंस ये विक्टिम है, डिनाउंस यानी आरोप लगाना है ना, इससे मतलब नहीं है, आरोप लगाना, निंदा करना, आरोप लगाना, डिनाउंस, क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना, आरोप लगाना, डिनाउंस करना। तो ये इसका विक्टिम, क्वेरी मतलब पीड़ित, शिकार, विक्टिम, तो आंसर हो जाएगा ए। फिर देखिए आप अगला 197, कंजेक्चर। कंजेक्चर यानी होता है अनुमान लगाना, टू गैस, कंजेक्चर, अनुमान लगाना, ट्रूथ सच्चाई, बायस नॉलेज ज्ञान, बायस यानी बायस्ड होता है ना, भेदभाव वाली चीज, गैस अनुमान लगाना, कंजेक्चर यानी अनुमान लगाना, ठीक है ना, गैस करना, अनुमान, अनुमान लगाना नहीं, अनुमान है एक्चुअली नाउन है, अनुमान, और गैस यानी अनुमान हो गया। विंडिकेट, विंडिकेट यानी होता है आरोप से बरी करना, विंडिकेट, एक्विट, आरोप से बरी करना, आरोप जो होते हैं उन पे लगाया था, अब आरोप से बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया उसको, एक्विट कर दिया, विंडिकेट कर दिया उसको। इलाबोरेट बड़ा चढ़ा के बताना, आर्ग्यू तर्क वितर्क करना, जस्टिफाई उसको निर्णय दे दिया, जस्टिस दे दिया, जस्टिफाई कर दिया कि भाई तू ठीक है, उसको न्याय मिल गया, उसको न्याय, जस्टिफाई कर दिया, डिफाइन परिभाषित कर दिया, नहीं विंडिकेट यानी जस्टिफाई कर दिया कि तुम ठीक हो, एक्विट कर दिया, आरोप से उसको बरित कर दिया, बरी कर दिया। अब ये क्या है, प्रपिसस, प्रपिसस उपयुक्त, प्रपिसस मतलब आपके लिए जो सही है, उपयुक्त है, जो आपके लिए अच्छा है, फायदेमंद है, फेवरेबल है, ए प्रपिसस अनुकूल, शुभ है आपके लिए, फायदेमंद है, फेवरेबल है, ठीक है ना, फेवरेबल है, फायदेमंद है आपके लिए, तो उसके लिए यूज करते हैं प्रपिसस, उपयुक्त है आपके लिए, ठीक है, फेवरेबल है, अनुकूल है आपके, फेवरेबल कंडीशंस हैं, उसको बोलते हैं प्रपिसस। सिमिलर हम्बल वर्सटाइल नहीं होगा, वर्सटाइल होता है बहुप्रतिभाशाली, जिसमें बहुत सारे टैलेंट होते हैं, उसको वर्सटाइल कहते हैं, तो प्रपिसस नहीं होगा। अफ्रंट, अफ्रंट यानी होता है अपमानित करना, अपमान करना, एग्जाइल यानी निर्वासित कर देना, बाहर निकाल देना, और कंटूर, कंटूर का होता है शेप देना,
आउटलाइन करना, कंटूर, रूपरेखा खींचना, शेप देना, तो वो नहीं होगा फ्रंट। इरप्शन यानी फूट पड़ना, जैसे ज्वालामुखी वगैरह होते हैं वो इरप्शन होता है उनका, इरप्शन वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है। इंडिग्निटी, इंडिग्निटी यानी वही होता है नफरत करना, अपमान करना, तो आंसर अपना होना चाहिए इसका डी, इनडिग्निटी यानी इंसल्ट करना, नफरत करना, किसी बेइज्जती करना, अपमान करना, ठीक है ना। ये 200 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और है, वो 201 क्वेश्चन करेंगे हम लोग और फिर एक बार दोबारा देखेंगे चीजों को। इंटीमेट, इंटीमेट मतलब होता है नजदीक रिलेशंस, क्लोज रिलेशन, इंटीमेट बहुत क्लोज रिलेशंस को हम बोलते हैं इंटीमेट, फॉर्मल क्लोज, क्लोज हो जाएगा। इंटीमेट में फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल होता है, क्लोज रिलेशन होते हैं, सुपरफिशियल बाहरी डिस्टेंट दूर के नहीं, ये सब ऑपोजिट है, सुपरफिशियल नहीं, डिस्टेंस नहीं, फॉर्मल नहीं, ये सब तो इसके ऑपोजिट है। इसका आंसर होगा क्लोज, इंटीमेट रिलेशन मतलब क्लोज रिलेशंस। तो ये आया था FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 17 दिसंबर 2017 को एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटीमेट वाला। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम्स के। तो ये मैंने जो आप लोगों को एक क्लास रिकॉर्ड की है सिनोनिम्स के क्वेश्चंस की, इससे एक फ़ायदा हो गया कि आपको पता लग गया कि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा। आई होप कि मैंने उन क्वेश्चंस को आपको समझाने की कोशिश की है, मैंने बहुत इसके अंदर मेहनत की आप लोगों के लिए क्वेश्चन इकट्ठा करना। इंपॉर्टेंट बात यह कि क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएँ आपके साथ, सारे क्वेश्चन एक सामने आ जाएँ आपके पास, ठीक है ना। तो ये आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करें, बार बार प्रैक्टिस करें इनकी, और जो मैंने आपको थियोरी दी है प्लीज़ उसको पढ़ते रहें, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है दोस्तों। आपको बिल्कुल आपका जो गोल है वो अचीव होगा अगर आप इस तरह से मेहनत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बी इंडस्ट्रियस, बी हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट बने आप लोग, मेहनत करें, लर्न करें, एक टारगेट बना लें कि वह 10-10, 20-20 बार डेली याद करने, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड को याद रखना है तो फिर आप थोड़ा सा इंग्लिश के माहौल में भी रहना शुरू करें, इन वर्ड्स को लाइफ में यूज़ करें, इनको पढ़ें बार बार, तो ये लंबे टाइम तक आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, चाओ, हैव अ गुड टाइम।